कोहरा है, कोहरा। सब माँ बहन बेटियों को पूज्य साथ की देवा दीदी जी के तरह देवी जी आदि के तरह आराम आराम एक रिदम के साथ पांच मिनट सूर्य नमस्कार करने का प्रयास का एक रुकना नहीं। अब मैं इसको वंशकर्म कटकर्म की भाषा में कहता हूं। देखो जब जब विश्वास करते हैं तो ये जैसे आप जल लेती करते हैं, सूत्र लेती करते हैं, करने का ध्यान ये जब दोनों मिलना सा स्वर दोनों चमकी काम के खुल जाए उनके नाक बंद रहते ना वो पांच मिनट तेजी से दौड़ लिया दोनों नाक खुल जाए बात काली में पांच बार सुबह सुबह उठते ही सवाल अथवा उठते ही ज्यादा बंद रहते तो हरो तेल और जो चीज प्रति मिश्रित करके जाना कई उपाय लेना खुद
का पूर्व प्राण लेकिन चल रही है, जलने की फिक्र क्या चल रही है बोलो, प्राण थेरापी चल रही है आपके पैरामीटर ये है, जब तक ऐसे पसीना टपके नहीं ना तो समझ लेना तुम ही टपकने वाले गर्मी आ जाती। एक तय करना, बालों में उतरता है कफ नजला तो बाल करते तो ऐसे सूर्य नमस्कार करना जैसे दोनों बेटियों ने किया। अब ताड़ासन करो मेरे साथ साथ, देवी जी आजी देवादी करो, सब करो। असर होता जो गहरा लंबा सांस सीधा असर पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम तो कफ रोग बात जब पूरा छोड़ दे पूर्वक गुरु भगवान की
चढ़ा दे। पुरातीत भावातीत तो होकर के योग का नारे मेरे भाई, थोड़ा संतुलन बना सकते हो तो बना। तो मूल बंद लग रहा है, एकाग्रता होनी चाहिए सहजता होनी चाहिए। चलो अब थोड़ा दंड बैठक करवा, दस दस बार कर जो जवान है वे तेजी से करो। जवानों को धीरे करने में कहां आनंद आता है, तेजी से ऐसे थोड़ी बड़ी उम्र वाले हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा तरह कर दो। उल्टे लेट करके जो कमजोर कमजोर प्राणी है वे तो दो तरह से न करा सकता। इनको कमर में साध्वी देव विजया जी की तरह जो मेरे दाहिनी ओर एक ही तरह से दोनों तरह से मकर आसन, फिर चार तरह से भुजंगासन, चार तरह से सर्वासन और फिर धनुरासन। जिनको ओबिसिटी है वे हेलो भाषण और सर भाषण सो सो बार करता। तो मेरे भाई और पुण्य साध्वी विवाद योग पर ओबिसिटी का पैकेज करेंगे। ना देव विद्या की कबर टूटी पड़ी है और ना इनको मोटापा है, ये तो आप करें इनको अनुसरण। जो पहले पहले कर रहे हैं सिर्फ गिनती, जो थोड़े अभ्यास कर रहे हैं तेजी से कर लेना। सामान्य मध्यम या प्रगति से पूरे अभ्यास की एक अनुष्ठान की लय के साथ मौसम है। गंगा सर ऐसे दो तरह से किसी पैर पास तो व्यायाम भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है, बंध और मुद्रा का भी अभ्यास साथ साथ पता नहीं चल रहा। अंतर्मुखता के साथ
दिव्यता के साथ, दैवी संपत्ति के साथ, सात्विकता के साथ, तो सात्विकता का अभ्यास भी हो रहा है, योगाभ्यास हो रहा है, सारे जीवन के श्रेष्ठ साधनों का अभ्यास हो रहा है, और बुरी चीजों से अपने आप को हम बचा रहे हैं जब अच्छी चीज में प्रवृत्त हो गए, जब सात्विकता में हम प्रविष्ट हो गए, तो रजस तमस से, अज्ञान से, अशुभ से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, पाप से, तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे, तो अभ्यास और वैराग्य का साधन साथ साथ चल रहा है, पूर्ण विवेक के साथ योगाभ्यास चल रहा है, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ योगाभ्यास चल रहा है, तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग निष्पन्न हो रहा है, और पूरे शरीर को, इंद्रियों को, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को, चित्त, चेतना, आत्मा को एक साथ साध रहे हैं, तो आत्म संयम योग चल रहा है, और जब हम योग में पूरे प्रवृत्त हो जाते हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, अष्टवंगाय, अष्टांग योग का अभ्यास चल रहा है, हम अहिंसा में, सत्य में, असत्य में, ब्रह्मचर्य में, परिग्रह में प्रतिष्ठित हो रहे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान हमारा स्वभाव बन रहा है, हमारे आचरण में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह घटित होता है सहज योग में, कर्म योग में, इस सनातन जीवन प्रक्रिया में प्रवृत्त न होते हैं, लंबे लंबे श्वास, तो हम अष्टांग योग में प्रवृत्त हो, हमारे आचरण में अहिंसा, सत्य, अस्तित्व, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह घटित होता है, अवतरित होता है, प्रतिफलित होता है, भुजंगासन, मोटे मोटे भाई बहन सर्वासन, और हमारे आंतरिक जीवन में शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, हमारे स्वभाव में, हमारे रोम रोम में शुचिता है, संतोष है, तप अध्याय है, आत्म निष्ठा है, आत्म प्रतिष्ठा है, ईश प्रधान है, भगवान में हमारी अखंड निष्ठा, खाली योगिक व्यायाम नहीं हो रहा है, वो अविवेकी लोग होंगे, वो मूर्खतापूर्ण कृत्य करते होंगे, जो केवल योगिक व्यायाम, योगिक आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान, केवल चिंता, केवल कुछ समग्रता में ही समझा, माना कि प्रकृति व परमेश्वर सृष्टि के प्रत्येक घटक को पूर्ण स्वाधीनता के साथ बनाया है, लेकिन एकत्व के साथ सा अस्तित्व और सामंजस्य, वनेस को एक्जिस्टेंस एंड हार्मनी, ये बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और ये पूरा आंतरिक पिंड का तंत्र चल रहा है, और सारे ब्रह्मांड का भी तंत्र ऐसे ही संचालित हो रहा है, जो चित्रण कर पाए, भुजंगासन, सलभासन तो अधिक कर लेना, जो मोटे मोटे भाई बहन स्पीड के साथ, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने साथ, मैं कह रहा था वो अविवेकी होंगे, करो जो
केवल योग के एक घटक की बात कर रहे हो। अब कोई कहे कि मैं केवल हाथ हूँ, मैं केवल पैर हूँ, मैं पानी हूँ, मैं पाद हूँ, मैं पाई हूँ, मैं उपज हूँ, मैं वाक हूँ, मैं नेत्र हूँ, मैं श्रोत्र हूँ, अरे ये भी आप हो, लेकिन इसके साथ साथ शरीर इंद्रियों के साथ साथ मन बुद्धि चेतना के साथ साथ स्थूल के साथ आप सूक्ष्म कारण शरीर भी आपके साथ संयुक्त है। पांच तीन शरीर, पांच प्राण, पांच उपप्राण, पंच महाभूत, महाकोश, अष्ट चक्र, नव द्वार, बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स, और इन सब के साथ आत्मा का संयोग, ये आप। चलो अब सीधे लेट जाओ अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। एक एक पैर से करेंगे पूजा साध्वी देवा दीदी जी, अर्धहलासन पादमद्दासन द्विचक्रिकासन ओबीसी के लिए, और मरकटासन से लेकर के और अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सीत बंद और कटुता, मेरुदंड के सारे अभ्यास देव जी जी आजी आप सब करते रहो, अपना अपना पैर पूरा करो। तो मैं कह रहा था दस तो मैंने प्रतीकात्मक बोला, शत सहस्र साधना, दशावधानी शतावधानी सहस्रावधानी बनो, एक साथ सैकड़ों हजारों सत्यों को साधते चले जाते हैं। एक योग के साधने से जीवन के समस्त श्रेष्ठ सत्यों की साधना निष्पादित हो जाती है। अर्धहलासन पादमद्दासन सो सो बार करना है ऐसे। अपने अपने तब कह रहा था योगी व्यायाम भी हो रहा है, आसन हो रहे, प्राणायाम हो रहा है, ध्यान हो रहा है, योगी के साथ ही यजन हो रहा है, अब भजन भी शुरू कर देते हैं, भजन भी हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, और भक्ति भी एक तरह की नहीं, नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विश्रह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसी को शब्दांतर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने गाया है। आओ नवधा भक्ति की पवित्र चौपाइया उसके साथ और कुछ थोड़ी सी चौपाइया और सुना। सुबह उठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित मानस में जैसे भगवान के चरित्र को गाया, और भगवान का चरित्र तो उसमें एक बहाना है सनातन सत्यों की प्रतिष्ठा। चला मानस का पाठ करो, वेद का पाठ करो, वेदवाणी गुरुवाणी उपनिषदों जाए दर्शनों के रामायण महाभारत श्रीमद्भगवद्गीता पुराण महर्षि चक्षुष धन्वंतरी वाग्भक्त और अपनी सांस्कृतिक विरासत की बनी प्रतिध्वनित वाक्य घरों से भौर दो। अभ्यास बनाए ऐसा घर का वातावरण। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हम योग करते करते ऐसे खो जाए योग में, मैंने कहा ना कि हम गुणातीत भावती एक योग से सारे योग के अध्यात्म साधना सनातन सत्य आपके भीतर घटित हो गए। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वो मेरुदंड की पूरे अभ्यास
जिनको ओबीसीटी है वो ओबीसीटी पूरा काम शेष मेरे साथ पवन मुक्ताज उत्तान पादा नौकर पादा विश्वनाथा प्रशासन सर्वांग हलासन सीता एक अनुष्ठान की तरह करके बैठिए
Mm-hmm.
सामान्य गति से मध्यम गति से सामान्य मध्यम शक्ति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर। भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, फिर बाह्य प्राणायाम उच्चाई अनुलोम विलोम। अब देखो इनको फैटी लिवर लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस पाइल्स फिशर फिस्टुला कोलाइटिस आईबीएस क्रोन्स डिजीज डाइजेशन की बात रहेगी, पाचन तत्व की समस्याएं है, लीवर की, पाचन तंत्र की समस्याएं है, किडनी की समस्या, प्रोस्टेट यूटरस की, ओवरी की समस्या, पत्नी की। जिनको हार्ट की समस्या, तमाम तरह के चर्म रोग, त्वचा रोग है, स्किन प्रॉब्लम्स, आप मंडूकासन या योग मुद्रा से पद्मासन में बैठ गए, आगे झुक गए और इसी में कपाल भाती। मैं हमेशा इस बात को बलपूर्वक कहता हूं, केवल व्यायाम से बात नहीं बनेगी, केवल आसन से, केवल प्राणायाम और ध्यान से भी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले से ही मैं समग्रता की बात कर, समग्रता में योग हो, समग्रता में चिकित्सा हो, समग्रता में स्वास्थ्य हो, समग्रता में समृद्धि हो, समग्रता में शांति हो, इसलिए हम शांति मंत्र भी कितना बड़ा पढ़ते हैं। ओम जोहु शांति रंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतयः शांति, सारे संसार में सृष्टि में ब्रह्मांड में शांति, पृथ्वीलोक द्योलोक अंतरिक्ष लोक में शांति, शांति ही दिए प्रबुद्धित होगा जीव जगत में जड़ चेतन में सृष्टि के कण कण। बात स्वास्थ्य की हो, समृद्धि की हो, शांति की हो, संतुष्टि की हो, प्रसन्नता हैप्पीनेस, हमारी हैप्पीनेस भी कैसी, हेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, इंटीग्रिटी, इंक्लूसिव एंड इटर्नल सस्टेनेबल हैप्पीनेस, समग्रता में हमने सत्य की साधना की। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपना अपना योगाभ्यास पूरा होना चाहिए। हम आधा अधूरा करते रहे और फिर चीखते चिल्लाते रहते, कोसते रहते, दोष देते रहते, किसको, योग यज्ञ को। मैंने तो योग भी कर लिया, यज्ञ भी कर लिया, मेरे भीतर तो योग घटित नहीं हुआ, योग का लाभ भी फली भूत नहीं हुआ,
आपने तो कहा था राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यह विधि बने सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी तो कह रहे भाई कुभाय अनख आलसु नाम जपत मंगल दिश दसु, मेरे तो चारों तरफ अमंगल हो रहा है और वो गा रहे मंगल भवन अमंगल हारी, क्यों ऐसा हो रहा है? इस जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों के रोग शोक दुख दारिद्र्य कट जाते, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। लेकिन मेरे तो इस जन्म के ही रोग दुख दारिद्र्य नहीं मिटे, जन्म जन्मांतरों के तो कब कटेंगे कब मिटेंगे कब हटेंगे। अरे मेरे भाई जो कर रहा है उसको सलीके से देखो। बहुत लोग कहते मेरी योग में श्रद्धा नहीं बनी, मैंने योग किया लाभ नहीं हुआ। यज्ञ में मेरी श्रद्धा नहीं बनी, मैंने यज्ञ भी कर लिया और उसको भी दंभ से बोलते दर्प से बोलते अहंकार से बोलते। मैंने तनु घी सामग्री आहूत कर दी। एक तो हरियाणा का था, बोला मैंने तो बाबा जी घना घी फूक दिया, लाभ को नहीं हुआ। मैंने तने फूका है हवन नहीं किया। हम लोग योग करते यज्ञ करते वेद पढ़ते सनातन धर्म के मार्ग पर चलते और हमारे जीवन में स्वास्थ्य नहीं समृद्धि नहीं खुशहाली नहीं। अब देखो लोग कैसे कैसे एग्जाम्पल देते, बोले देखो भगवान को नहीं मानता चाइना बड़ा समृद्ध है इसलिए नास्तिक होने में खुश बड़ा फायदा। उदाहरण नेगेटिव एग्जांपल, भगवान को नहीं मानता चाइना इसलिए देखो कितना समृद्ध हो गया पूरे विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। वो अलीबाबा का जो मालिक है उसे जाकर के पूछो, बेचारा 2-3 साल से एक बार शकल दिखाई उसकी गायब है। भारत का एक बहुत सात्विक उद्योगपति है नारायण मूर्ति, बल्कि मैंने सोचा था कम्युनिस्टों के विचार बड़े प्रगतिशील है, लेकिन जब मैंने उनके भीतर जाकर के देखा तो अब तो मैं सोचता हूं कि कम्युनिस्ट की तो छाया भी नहीं पड़ती। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है नास्तिक लोग हैं, नास्तिकों वेद निंद का जो वेद की धर्म की सत्य की न्याय की निंदा करते हैं जो सनातन की निंदा करते हैं उनकी छाया भी नहीं पड़ती। कुछ लोग उदाहरण देंगे देखो इस्लाम में कितनी समृद्धि है, सऊदी अरब वालों के पास कितना पैसा उसके पास कितना पैसा है। अरे मेरे भाई 40-50 साल पहले जाकर के देख ले, 100 साल 200 साल पहले जाकर के देख ले, कबीलों में इतनी लड़ाई हुआ करती थी और थोड़ी दिन बाद फिर होने वाली है क्योंकि एक एक की 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 पत्नियां हैं और उनके हजारों हजारों बच्चे आपस में लड़ मरेंगे, किसी को मारने की जरूरत नहीं। मींस तुम गलत एग्जांपल अपने सामने रख, तुम कहते हो देखो ईसाई धर्म में कितनी महिमा होगी कि वो आधी से ज्यादा दुनिया पर उन्होंने राज कर लिया। अरे वो राज ईसाई धर्म के कारण से नहीं कि अधर्म के कारण से राज किया, हिंसा क्रूरता है, गलत है एग्जाम्पल अपने सामने। सही है एग्जाम्पल अपने सामने रखा। और कई बार तुम्हें किसी अन्य विश्वास में भिन्न विश्वास में ही नहीं, कई बार तुम्हें रजस तमस में जी रहे लोग धनाढ्य दिखाई दे, उनके चारों तरफ रावण की तरह वैभव दिखाई दे, धनानंद और एक कंस जरासंध की और न जाने कितने लोगों की तुमने कहानियां सुनी हुई कि उनके पास बड़ा वैभव, तो उस मायावी छल के प्रपंच में आप नहीं आते। आप
अपने योग धर्म पर, अपने स्वधर्म पर, अपने सनातन धर्म सत्य धर्म पर, भगवान के विधान पर, भगवान के कर्म फल न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए अपने काम को पूरा करना था। अच्छे एग्जाम्पल अपने सामने रखो। गोमुखासन आपको बताया, मंडूकासन योग मुद्रासन बताया, और जो अधिक आसन न कर सके तो अपना प्राणायाम करो, एक अनुष्ठान किया, और संसार में सभी तरह के उदाहरण मिलते हैं। आप अपने सामने सदा सात्विक प्रेरणाओं को, सात्विक उदाहरणों को रखना, भस्त्रिका करो, कपाल भाति करो, बाह्य प्राणायाम उच्चाई करो, अनुलोम विलोम। अभी कपाल भाति तो और बाद में करा दे, अभी अनुलोम विलोम आपसे करवा करो। लंबे लंबे श्वास, अब व्यायाम का काल पूरा हो गया, अब थोड़ी देर प्राणायाम पूरी अंतर। तुम स्वामी रामदेव को देखो, मैं जन्म से बचपन से योग के मार्ग पर चल रहा और योग विद्या के साथ मैंने वेद विद्या का गुरु शिष्य परंपरा से सनातन जीवन पद्धति का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए उसको जीते हुए व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, अपने आर्ष ज्ञान परंपरा का अध्ययन अनुशीलन अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ा। मैंने योग को समग्रता से किया। थोड़ी देर पहले मैंने कहा योग के सैकड़ों हजारों लाखों पहलू हैं, योग को खाली ऊपर ऊपर योग को पूरा कर। और यहां पतंजलि योग पीठ में हम योग, यज, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, जनलेति सूत्र नेति, त्रिफला आयुवास से आपकी दिनचर्या प्रारंभ हो, प्रभात ब्रह्म मुहूर्त, सुबह की शुरुआत ही आपकी जननेति सूत्र नेति और एनिमा के साथ हो। फिर संख प्रक्षाल, कोलन चला, तिरोधारा, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर, ये सब पहले गुप्त विद्या मानी जाती थी, राज्य महाराजा लोग करवाया करते थे। ये सारी क्रिया यहां पर संपन्न हो, बड़े धनाढ्य लोग, वैभव संपन्न लोग ये विद्या करवाते थे। अब यहां धारा, यक्ष तर्पण, कर्णपू, नस्य, अभ्यंग, अभ्यंग भी दस तरह से, स्नेह धारा मसाज, पोटली मसाज, पत्रपिंड मसाज, मेडिकेटेड मसाज के अलग अलग रोगानुसार बलाते हैं। महानारायण नारायण तेल, कायाकल्प तेल, वीरांतक तेल,
धन्यवाद ही देन। एलोवेरा जेल से रस्से जी अभ्यम रसाभ्यम तैलाभ्यम पांच तरह से कम अक्षितर पर कम से कम तीन तरह से कर्णपूर ईयर ग्रिड से कर्णपूर कराते हैं आपको। ये जो अणु तेल से नशे भी कराते हैं उससे भी जब बैक्टीरिया वायरस फंगस का असर कोई कान में हो जाता है कितने लोगों की प्रत्यक्ष उदाहरण हमने दिए उससे भी करवाते अणु तेल सुदर्शन से कर्णपूर कराते घर में भी आप तिल या सरसों के तेल में लौंग अजवाइन लहसुन पकाकर सुदर्शन का रस उसमें डालकर तारीवा डालकर उबालकर कर्णपूर्ण कम से कम तीन तरह से अक्षय तर्पण कम से कम पांच तरह से करवाते हैं। सामान्य गाय के लिए मां त्रिफला गृह त्रिफलादि त्रिफला और गुलाब जल सौम्य से सौम्य जो आई ड्रॉप आपको देते हैं तो पूरा उसमें तो थोड़ी सी 5 ml या 10 ml जो भी होती हो उसमें तो पूरा सौम्य से पूरी आंख को भर दे। एक प्रोसेस कम से कम 20 से 30 मिनट जब लगातार चलता है तब जाकर के उसका पूरा फल आपको मिलता है। गंडूस करा दे परंपरागत गंडूस के साथ हमने एक नए दोस्त गंडूस का आविष्कार किया है। एलोवेरा हल्दी अमरूद का गंडूस यज्ञ की भस्म का गंडूस बड़ा अप्रतिम लाभ करता है। कैंसर जैसे रोगों टॉन्सिल स्नोरिंग स्लीप एपनिया अलग अलग प्रकार के लेप लगे 100 तरह से बस्ती बाह्य बस्ती उत्तर बस्ती आंतरिक बस्ती के तीन बड़े रूप बाह्य बस्ती तो जानो बस्ती ग्रीवा बस्ती कट बस्ती पृष्ठ बस्ती लंग बस्ती हार्ट हृदय बस्ती ये सब। आंतरिक बस्ती में मेधा बस्ती से लेकर के मधुग्रित बस्ती से लेकर के शुगर में कफ कोल्ड में श्वासारी बस्ती से लेकर के हृदय रोग में हृदय बस्ती अंदर ही हृदय अमृत अर्जुन की छाल दालचीनी से लेकर के प्रकृति के अनुसार उसमें यदि आवश्यकता है कोलेस्ट्रॉल आदि बहुत बढ़ा हुआ है वीकनेस है तो उसमें फलों या सब्जियों के वनस्पतियों के साथ साथ इनके भी रस मिलाए। हृदय बस्ती कोलाइटिस में कोलोग्रिट बस्ती हेपेटाइटिस में ल्यू फैटी लिवर लिवर सिरोसिस में लिवोग्रिट बस्ती मोटापे में मेदोहर वेट गो बस्ती अलग अलग बस्ती त्वचा रोगों में कायाकल्प बस्ती कायाकल्प के पास के साथ डर्माग्रिट सोरोग्रिट गहरा श्वास भरे बहुत हृदय के सारे श्वास सारी संकीर्णताएं और मेरे हृदय में मैत्री करो पूरी सम
अवस्थी के प्रति कृतज्ञ है। सारी दिव्यता उसकी मेरा हृदय आपूर। इस्लाम, ईसाईयत और नास्तिकता को फॉलो करने वाले कई मामलों में तो 95-99% तक लोग जो है वो मांसाहार, यूं की हत्या है, मर्डर है, वायलेंस है, क्रुएल्टी है। कैसे धर्म हो सकती है जिनको ये धर्म है? जो दूसरे जीवों को मार करके खुशियां पा रहे, जो नशा करके ड्रग लेकर के खुशियां पा रहे, जो बाह्य प्रदर्शनों से खुशियां पा रहे, तो ये सनातन धर्म मार्ग है संपूर्ण स्वास्थ्य का, समृद्धि का, शांति का, प्रसन्नता का, हैप्पीनेस का, जॉय का। और मैं तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव ने एक बार भी मांसाहार नहीं किया है, अनजाने में भी नहीं किया है, एक बार भी दारू पी नहीं है, जीभ को छू भी नहीं पाई। ये तो नहीं कह सकते कि सूंघी भी नहीं है, क्योंकि जब से कोरोना आया तो सबके हाथ, कोई नहीं कह सकता अब दुनिया में मैंने दारू को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो सैनिटाइजर था उसमें दारू ही थी, तो सबने दारू के हाथ तो लगा लिया, उसमें अल्कोहल था वो उड़ गया। चल लेके योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, सनातन धर्म को, यह जो पूरी जीवन शैली आपको सिखा रहे हैं सुबह से शाम तक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। आओ अब अनुलोम विलोम के बाद ध्यान रखिए, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, समग्रता से करना सा, लंबे गहरे श्वास, पहले अगले माथे पर से स्थिर होना, कान अंगूठे से। अब देखो ओंकार की उपासना को भी निरंतरता पूर्वक संपन्न करो, 8 बार भ्रामी, 8 बार तक उठी और मूलाधार से सस्त्रार तक एक एक चक्र में ध्यान कर।
ऐसे ब्राह्मी प्राणायाम पूरे अंतर्मुखी होते अमूदगी मूलाधार में शक्तिकरण शुद्धिकरण के बाद मणिपुर चक्र में जो लंबा गहरा श्वास मेरा पूरा पाचन तंत्र चक्र संयम का केंद्र है सर्दी गर्मी भूख प्यास
लंबा भरा था, वो लंबा ही उसकी राजा वृक्ष से अस्रार में युवा आत्मज्योति कार में सारे नाम सारे मंत्र सारी ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोचीयमामृतात् पश्यतु मा सत्यगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ विश्वानिदेव सरितं यद्भद्रं तन्न आशिनो सहना भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सब नाम रूपों में उस प्रभु को सब नाम रूप स्वरूप संबंध जो भी कुछ व्यक्त है जो भी कुछ हम देख रहे हैं All existence is the live expression of it. ये भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति है और सबका क्रिएटर करता है प्रभु कृष्ण के पीछे स्वीकार करते स्वीकार
ऐसे श्वासों के साथ प्राणों की आराधना भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना प्रणव क्या।